my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. And finally, I can say I'm filming this video because ये बहुत time से delay हो रही थी. Literally एक दो boxes तो दो या डेढ़ महीने से मेरे पास रखे हुए थे. So I shopped a little from MyGlam. मतलब पहले थोड़ा सा little shop किया, फिर थोड़ा सा और little shop किया. इसी time में मुझे collaboration भी आ गई थी. I was like, why not? I would love to work with you guys. So मुझे लगा एक dedicated video बना लेते हैं. So I got few products from them as well. So मैं combine करके सबका review देने वाली हूँ. It's more like a haul slash first impression. I have a lot of products from MyGlam. First time है जब मैं MyGlam का कुछ try कर रही हूँ तो मुझे एक dedicated proper video बनाते हैं जहाँ पे मैं सब कुछ आपको test करके एक first impression दे पाऊँ, from base products to blushes to palettes to lipsticks, basically everything. So without any further ado, let's get started. So let's start with brand first of all, MyGlam. अगर आपको नहीं पता, it's like a proper application जहाँ पर आपको MyGlam के सारे products मिलेंगे. In fact आपको और भी brands के product मिलते हैं. MyGlam specifically अगर बात की जाए, they make vegan and cruelty free products. इनके products की quality मुझे अब तक काफी high quality लगी in terms of packaging and everything. वो आपको आगे दिख जाएगा. ऐप बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, ईजिली पेमेंट भी हो गया था, शॉपिंग करना काफ़ी ईजी है, पॉइंट सिस्टम भी अच्छा है, दे हैव रेफरल सिस्टम्स एज वेल. आप फ्री लिपस्टिक भी ले सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम साइनअप करोगे. वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लस एक कूपन कोड भी है मेरी फैमिली के लिए जो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेस प्रोडक्ट्स के साथ. सबसे पहले बेस प्रोडक्ट में है मेरे पास ये MyGlam Pose का HD फाउंडेशन, विच लुक्स लाइक दिस. काफ़ी टीनी टाइनी सी, एकदम ट्रैवल फ्रेंडली मुझे इसकी पैकेजिंग लगी. सो इसमें मैंने शेड लिया है गोल्डन हनी. इसका 599 MRP है, लेकिन MyGlam पे हमेशा ऑफर चलते रहते हैं. मतलब मैंने जितनी बार एक ऐप खोलिया ना कोई सेल, कोई ना कोई डील चलती रहती है. तो MRP के कंपैरिजन में आपको चीज़ें बहुत सस्ते मिलेंगी, प्लस इनके कूपन कोड भी हैं और जो मैं कोड देने वाली हूँ उससे भी आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा. सो डेफिनेटली MRP मत जाना, चीज़ें आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही है. सो दिस इज हाउ द फाउंडेशन स्टिक लुक्स लाइक. काफ़ी अच्छी इसकी पैकेजिंग है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग है बाय द वे. और ये फाउंडेशन स्टिक है, वी गेट अ लिड एज वेल, विच आई रियली लाइक. मुझे ऐसी लिड पसंद है, सो दैट अगर ट्रैवल भी करो ना तो चीज़ें मैसअप नहीं होती. काफ़ी बार लिड ना होना तो ये ऊपर लग जाता है, मैसअप हो जाता है. सो उसको मैं संभाल के रखने वाली हूँ. सो फाउंडेशन में मैंने शेड मंगा लिया था गोल्डन हनी, एंड एज यूजुअल ऑनलाइन जब भी लो ना थोड़ा बहुत इशू हो ही जाता है. ये थोड़ा सा वार्मर टोन पे ज़्यादा है. सो अगर आपको ये मेरे जैसा स्किन टोन है लेकिन थोड़ा सा ब्राउन साइड पर है, थोड़ा सा टैन जैसे हो जाते हैं, मतलब अगर मुझे टैनिंग हो जाएगी ना तो ये एकदम परफेक्ट मेरे फाउंडेशन बन जाएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा वार्म टोन पर है. पर स्टिल मैंने इसको पूरा लगाया. आज मैंने यही यूज़ किया, मैंने कोई भी और फाउंडेशन या बेस प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया. अच्छे से अप्लाई भी हो गया था. मेरे मेजर एक्ने के जो रेड मार्क्स हैं, जो डार्क स्पॉट्स हैं, वो काफ़ी अच्छे से इसके हाइट भी हो गए थे. सो आई वुड से इसकी मीडियम जो है कवरेज है, लेकिन अगर आप एक लेयर और लगा दोगे तो और अच्छी आपको बेटर कवरेज मिल जाएगी. बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये स्टिक फाउंडेशन है, थोड़े थिक होते हैं ना, सो देयर इज अ चांस ये आपको थोड़ा सा केकी कर सकता है. आई वुड से इससे पहले एक अच्छा ड्यूई फिनिश का मॉइस्चराइजर प्राइमर लगाओ, सो दैट आपकी स्किन कहने की ड्यूई रहेगी ना, तो इसके बाद जब वो थिक फाउंडेशन स्टिक की वजह से मैट बनेगी ना तो इतनी क्रैक नहीं होगी. सेकेंड बेस प्रोडक्ट मेरे पास है एक कॉम्पैक्ट. मुझे काफ़ी टाइम से एक कॉम्पैक्ट लेना था, सारे गर्मियों में ना यूज अप हो जाते हैं, मेसी हो जाते हैं, सो मैं न्यू स्विचअप कर लेती हूँ. सो ये भी है MyGlam का लिट रेडियंट मैट कॉम्पैक्ट. दिस आर द पैकेजिंग लुक्स लाइक, अगेन वेरी वेरी नाइस. इसमें मैंने जो शेड लिया है वो है सर्विंग फेस, इसका नेम है, आई डोंट नो इसका शेड नेम सर्विंग फेस है या नहीं. इसका शेड है 01 सर्विंग फेस. ये मैं कह सकती हूँ हल्का सा मेरी स्किन टोन के लाइटर, विच इज़ गुड, बिकॉज जब मैं कॉम्पैक्ट अप्लाई करती हूँ थोड़ा बहुत जैसे हाई लाइटिंग एंड ऑल के सेंस में अप्लाई करती हूँ ना, लाइक अंडर आइज पे यूज़ कर लिया या फिर थोड़ा सा एक हाईलाइटेड फिनिश के लिए यूज़ कर लिया, बिकॉज ब्लेंड होने के बाद इतना पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कैन यू सी कुछ डिफरेंस, आपको इतना वाइट वाइट नहीं लग रहा होगा. ऑल्सो आई रियली वॉन्ट अप्रिशिएट द पैकेजिंग. इसकी मुझे कॉम्पैक्ट की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी. इट्स स्टर्डी, इट्स काइंड ऑफ हैवी, मतलब बिल्कुल वो चीप लोकल क्वालिटी का प्लास्टिक फील नहीं हो रहा. काफ़ी मेरे पास अच्छी ब्रांड्स की भी कॉम्पैक्ट है जो एक दो बार गिर गए, टूट गए थे ना, वैसे यार इतनी अच्छी ब्रांड का कॉम्पैक्ट भी टूट गया. बट इसकी मुझे पैकेजिंग डेफिनेटली स्टर्डी लग रही है, इट्स हैवी, द मिरर इज फुल साइज, आपको अच्छा भी मिल रहा है. सो आई थिंक फॉर द प्राइस पॉइंट दिस इज अगेन अ स्टील डील. बाय द वे अगर मैं बार बार इधर ना तो प्लीज इरिटेट मत होना, बिकॉज जो मेरा नया कैमरा है उसमें व्यू फाइंडर साइड में है. पहले ऊपर था तो मैं ऊपर की तरफ हल्का सा देखती थी, वो इतना पता नहीं चलता था, लेकिन अब साइड में देखती हूँ ना तो थोड़ा सा लगता है. सो प्लीज इग्नोर दैट. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको शॉर्ट रिकमेंड कर सकती हूँ इस पूरे हॉल में से, वो है ये आई लाइनर. ये तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया. ये है MyGlam का लिट ग्लॉसी लिक्विड आई लाइनर. दिस ऑल द पैकेजिंग लुक्स लाइक. इसके फ्रंट में लिखा है 24 आवर वाटर प्रूफ और ये स्मच प्रूफ है. सो इसमें काफी सारे कलर्स थे. इसमें ब्लैक था, यूजुअल ब्लू मैंने पिकअप किया है, पिंक था, देन एक ग्रीनिश कलर था, एक BTS sort of purple color भी था. मैंने blue pickup किया because I thought daily wear में blue अच्छा लगेगा. मैं denims और jeans बहुत पहनती हूँ तो कहीं ना कहीं matchup हो जाएगा. And I loved it. First of all मुझे इसकी tip बहुत अच्छी लगी. इसकी tip वो felt tip वाली, hard वाली tip नहीं है, which I like, because ये वाली जो brush tip होती है ना, इससे मेरा liner काफ़ी अच्छा बनता है. You can see
वन स्वाइप में भी इसकी पिगमेंटेशन कितनी अच्छी आई है। यूजली जो कलर लाइनर्स होते हैं ना वो इतनी अच्छी पिगमेंटेशन देते, बट मुझे काफ़ी पसंद आया और मैंने अभी तक ये लगाया हुआ है। आई थिंक एक या डेढ़ घंटा हो चुका है मैंने जब ट्राई ऑन पार्ट, मतलब अब एप्लीकेशन पार्ट शूट किया था और अब मैं स्पीकिंग पार्ट शूट कर रही हूँ, एक घंटे का गैप हो चुका है और अभी भी यू कैन सी इट्स क्वाइट नाइस। मैंने इसका भी टेस्ट करके दिखाया था, उसमें आप देख सकते हो मैंने फोर फाइव मिनट्स के बाद उसको स्मज करके देखा था, ये बिल्कुल भी हाथों से स्मज नहीं हुई, ट्रांसफर नहीं हुई। सो डेफिनेटली अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। ये ग्लॉसी लाइनर है तो एकदम मैट इफेक्ट आपको नहीं देगा, थोड़ा सा एक ग्लॉसीनेस आएगी, बट आई लाइक इट। आई थिंक एवरी डे के लिए अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट चाहूंगी ना तो मैं यही लाइनर प्रेफर करूंगी, बिकॉज यूजुअल ब्लैक से ब्लू काफ़ी अच्छा लगता है एंड इट्स नॉट दैट चटैक वाला ब्लू। लाइक आप अगर पास में भी आके देखो तो इतना वो लाउड वाला ब्लू नहीं लगता, सो आई थिंक आई कैन कैरी इट ऑफ। मैं इतना वो चटैक डिफरेंट मेकअप भी करना प्रेफर नहीं करती रियल लाइफ में, सो आई लव्ड इट। नेक्स्ट अप आई हैव समथिंग फ्रॉम द के प्ले रेंज। अगर आपको नहीं पता MyGlam की एक प्रॉपर रेंज आती है जिसका नाम है के प्ले, जो काफ़ी ज़्यादा क्वर्की है, मतलब इनके सारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग ना काफ़ी डिफरेंट और क्वर्की है। यू कैन सी इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी कितनी ज़्यादा क्वर्की है। सो मैंने इसमें पिकअप किया है के प्ले ब्लश और इसमें मैंने पिकअप किया है रैसबेरी वाला ब्लश, फ्रोजन रैसबेरी 01 है इसका एग्जैक्ट शेड एंड लुक एट द पैकेजिंग। इसकी एकदम मैट सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग है जो काफ़ी प्रिटी लगती है, रियली लाइक द पैकेजिंग, अच्छी स्टर्डी इसकी मुझे पैकेजिंग लगी एंड दिस इज हाउ द ब्लश लुक्स लाइक। कैन यू सी हाउ प्रिटी इट इज़, एकदम स्वर्ल वाला जो पैटर्न दिया हुआ है, आई लव्ड इट। इट्स नॉट दैट एकदम झटैक वाला जो एकदम होता है ना कि आप हल्का सा भी पिकअप करो बहुत ज़्यादा आपके चीक्स रेड हो जाते हैं, कि बिल्कुल सटल है, बहुत अच्छे से चीक्स पे अप्लाई होता है। आप देख सकते हो मैंने जब लगाया था आई रियली लाइक इट। आप उसको बिल्ड कर सकते हो विच आई लाइक, बिकॉज काफ़ी बार होता है हम जब जल्दी जल्दी में तैयार होते हैं हम काफ़ी बार ब्रश का प्रेशर तेज मार देते हैं और फिर चीक्स हमारे पूरे लाल हो जाते हैं, फिर उसको टेम डाउन करते हैं और ज़्यादा लेट हो जाते हैं, बेस पूरा हमारा खराब हो जाता है। सो आई थिंक मुझे ये पिगमेंटेशन अच्छी लगती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज मैंने MyGlam के जितने भी एड्स देखे ना, जो श्रद्धा कपूर के भी आते हैं, जो टीवी पर आते हैं, यूट्यूब चैनल पर एड्स आते हैं, वो इसी प्रोडक्ट के आते हैं। वो ये MyGlam का चिजल इट 3-in-1 हाईलाइटर ब्लश और कॉन्टोर। ऐसे प्रोडक्ट्स एकदम परफेक्ट रहते हैं अगर आप बिगिनर हो या फिर आप ज़्यादा मेकअप नहीं करते ना। आई वुड से सिंगल प्रोडक्ट लेने से अच्छा एक ऐसा पैलेट ले लो, आपको तीनों चीज़ें मिलती हैं, हैंडी रहता है, आप कैरी भी कर सकते हो और क्वांटिटी भी आपको एकदम डिसेंट मिलती है। रियली लाइक द पैकेजिंग, लाइक लुक एट दिस, काफ़ी एकदम ग्लैमरस ही इसकी मिरर सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग है। सो इसमें मैंने शेड ले लिया पोकर फेस जो काफ़ी जेंटल है, मतलब इट्स नॉट दैट लाउड। इन सीन द पैलेट एज वेल इट्स नॉट दैट लाउड। कॉन्टोर का शेड भी मेरे हिसाब से काफ़ी नेचुरल, एक ऑलमोस्ट ब्रॉन्जर सॉर्ट ऑफ कलर है। ब्लश एकदम इसका टेम डाउन सॉर्ट ऑफ कलर है और हाईलाइट मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा। सो ओवरऑल अगर आप थोड़े से फेयर साइड पे हो ना तो ये पोकर फेस आपको ज़्यादा अच्छे सूट करने वाला है बिकॉज इसके जो कलर है वो थोड़े से टेम डाउन है। अगर आप थोड़ा सा और डार्कर स्किन टोन की तरफ जाओगे तो आई थिंक आप दूसरा वाला शेड पिकअप करना बिकॉज ये शायद आपके लाइट हो सकता है। हाईलाइटर इज bomb.com, मतलब मैंने, मुझे लगा ये दोनों काफ़ी जेंटल थे ना तो मैंने हाईलाइटर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से ब्रश से पिकअप किया एंड ओ माई गॉड लगाते हैं, मेरा एक्सप्रेशन देख सकते हो कितना एकदम बहुत अच्छा, एकदम बीमिंग वाला जो हाईलाइटर होता है बिल्कुल वैसी लुक आई थी। फिर मैंने अपना फाउंडेशन ब्रश उसको थोड़ा सा टेम डाउन किया था तो इसका हाईलाइटर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेट मी जस्ट शो यू हैंड स्वॉच एज वेल। सो दिस इज हाउ द हाईलाइटर लुक्स लाइक एंड इट्स नॉट ऑल चंकी, मतलब ये बिल्कुल भी वो लाउड चंकी हाईलाइटर नहीं होते जो बहुत ज़्यादा ऐसे पार्टिकल दिखते हैं, बिल्कुल भी वैसा नहीं है। मुझे इसका हाईलाइटर बहुत अच्छा लगा। सो ओवरऑल दिस पैलेट इज रियली नाइस। ये आपको काफ़ी बार डिस्काउंट पे मिलता है MyGlam पे और उसके ऊपर कोड लगाओगे तो आपको और अच्छे सस्ते प्राइस में मिल जाएगा। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग 3-in-1 आई थिंक दिस इज समथिंग यू हैव टू ट्राई। नाउ कमिंग टू लिपस्टिक्स, आई हैव लॉट ऑफ देम, लिटरली पूरा बॉक्स भरा हुआ है सारी लिपस्टिक्स से। मैंने इनकी सारी रेंज की लिपस्टिक्स मंगवा ली थी जस्ट टू एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले मैंने मंगवाया था ये लिप लाइनर पेंसिल, ये है MyGlam का लिट मैट लिप लाइनर पेंसिल। दिस ऑल द लिप लाइनर पेंसिल लुक्स लाइक, रियली लाइक द पैकेजिंग, अगेन शार्पनेबल वाली है जो होती है। मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया, आई लव्ड इट। मुझे डिट्टो ऐसा ही कलर चाहिए था विच इज़ लाइक माई लिप्स बट बेटर। मुझे मेरे लिप्स को एकदम लाउड भी ना बनाए। काफ़ी बार होता है मेरा नहीं मन करता लाउड लिपस्टिक्स लगाने का, मेरा एकदम न्यूड कुछ लगाने का मन करता है, तो ये लिप पेंसिल ना उस केस में भी चल जाएगी। ये मेरे सारे लिपस्टिक्स के लिए एकदम सिंगल वन बेस्ट लिप पेंसिल है। उस लिप लाइनर के ऊपर मैंने लगाई ये लिपस्टिक जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मतलब इसका शेड मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स लाइक अ परफेक्ट एवरीडे सॉर्ट ऑफ शेड। ये है MyGlam की परफेक्ट कर्व्स मॉइस्चराइजिंग मैट लिप क्रेयॉन। सो ये लिप क्रेयॉन है लेकिन सॉर्ट ऑफ मॉइस्चराइजिंग है विच आई लाइक। एवरीडे बेसिस पे ना मैं अल्ट्रा मैट लिपस्टिक नहीं लगाना प्रेफर करती बिकॉज वो थोड़े टाइम बाद ही क्रैक हो जाती है, यहाँ पे ऐसे लाइंस पड़नी शुरू हो जाती हैं। सो मुझे मॉइस्चराइजिंग अच्छी लगती है। रियली लाइक द पैकेजिंग, लाइक लुक एट दिस, एकदम बोल्ड पेंसिल सॉर्ट ऑफ
स्टिक है इसकी एंड दिस ऑफ द शेड लुक्स लाइक और ये शार्पन वाली नहीं है इट्स लाइक रोटेटिंग थिंग विच इज़ गुड ऐसी मोटी लिप पेंसिल हमेशा शार्प भी नहीं होती सो आई लव द फैक्ट इसको शार्प करने की जरूरत नहीं है रोटेटिंग वाली है द शेड नेम ऑफ दिस वन इज डेब्यूटांट एंड आई लव इट लाइक लुक एट दिस एकदम एवरीडे परफेक्ट पिंक कलर जो होता है ना न्यूड पिंकिश सॉर्ट ऑफ कलर जो ना लाउड लगता है ना डल लगता है इट्स लाइक द परफेक्ट कलर उस लिप लाइनर के ऊपर आप देख सकते हो कैसा लग रहा है वाई रियल जो कलर है वो उसका ये कलर है आई एम जस्ट शोइंग यू अ डिफरेंस एंड ये मैंने उसके ऊपर लगाया था एंड टू टॉप इट ऑल बिकॉज मुझे थोड़ा सा एक ग्लॉसीनेस चाहिए थी जो थोड़ा सा टेम डाउन हो गया बिकॉज मैं अपने लिपस्टिक्स खा जाती हूँ लिपस्टिक्स की कोई गलती नहीं है ट्रस्ट मी मैं अपने लिप्स को बहुत ज़्यादा लिक करती हूँ सो इसलिए मैं लिपस्टिक्स को ब्लेम नहीं करती मेरे ऊपर इतना ज़्यादा टिकती नहीं है बट मैं जो उसके ऊपर थर्ड लगाया था वो है ये के प्ले का फ्लेवर्ड लिप ग्लॉस अगेन जो माई ग्लैम की मैंने आपको रेंज बताई थी के प्ले वाली एकदम फ्रूटी फ्रूटी सॉर्ट ऑफ फील वाली सो इसमें मैंने कलर मंगाया है पैशन फ्रूट क्रश इसका एकदम पैशन फ्रूट वाला एकदम कलर है एंड आई लव्ड इट मैं इतने टाइम से ना जो लिप ग्लॉसेस ले रही थी ना वो सारे एकदम स्टिकी होते थे थिक होते थे लगाती थी लिप्स को ना ऐसे चिप 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 फील होती है बाल चिपक जाते थे बहुत हैवी फील होते थे वाइल दिस वन इज रियली गुड मुझे इसका लिप ग्लॉस बहुत अच्छा लगा इट्स नॉट दैट थिक मतलब ऑब्वियसली लिप ग्लॉस है तो थोड़ा सा तो वैसा होगा लेकिन वो थिक और चिप चिप वाला लिप ग्लॉस नहीं है इसका अपना कलर भी है और ये बहुत अच्छा ग्लॉसी टेक्सचर देता है विच आई लाइक अब मैं इसको एक बार और टॉप इट ऑफ कर देती हूँ बिकॉज मेरा उतर गया थोड़ा सा लुक एट दिस ग्लॉसी भी लगता है एंड आई लव्ड इट यार इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है बिकॉज ये इन्होंने पूरी ये जो केपले रेंज है ना एकदम फ्रूटी फ्रूटी रेंज है सो इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी है इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है एंड लुक एट दिस आजकल ऐसे फैशन चल रहा है ना ऐसे ग्लॉसी लिप्स का इट्स रियली नाइस इफ यू आर लुकिंग समथिंग इन अफोर्डेबल इट इज़ गुड बिकॉज प्राइस इसका 595 है बट अगेन माई ग्लैम पे सेल हमेशा चलती रहती है तो आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा ओके कमिंग टू नेक्स्ट लिपस्टिक्स उसके बाद मैंने मंगाई थी ये माई ग्लैम की लिट सैटिन मैट लिपस्टिक्स जो काफ़ी चलती हैं इट्स लाइक द कल्ट रेंज जो माई ग्लैम की आती है इसमें मैंने शेड मंगाया गॉसिप गर्ल सो दिस ऑल द लिपस्टिक लुक्स लाइक वाइट कलर की इसकी बुलेट पैकेजिंग है एंड गॉसिप गर्ल दिखता है कुछ इस तरह से अगेन समथिंग ऑन मोर मतलब पिंक हॉट पिंक सॉर्ट ऑफ फैमिली सो लेट मी जस्ट स्वॉच ये डेब्यूटेंट था बाय द वे दूसरी रेंज का और ये है गॉसिप गर्ल काइंड ऑफ क्लोज शेड है मैं इतना ज़्यादा क्लोज भी नहीं बोलूँगी बट हाँ काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते शेड है इसका थोड़ा सा ब्लू पर्पल अंडरटोन है इसका थोड़ा सा रेडिश पिंक अंडरटोन आ रहा है सो यू कैन सी दिस हाउ दिस शेड लुक्स लाइक गॉसिप गर्ल डेफिनेटली मैं फ्यूचर में ट्राई करके आपको इसका स्वॉच दिखाऊंगी बिकॉज आज के लिए काफ़ी ज़्यादा मैंने लगा दी एंड एट लास्ट आई हैव अनदर लिपस्टिक फ्रॉम अ डिफरेंट रेंज ये है मनीष मल्होत्रा की रेंज मनीष मल्होत्रा की भी कलेक्शन है माई ग्लैम के साथ अगर आपको नहीं पता दे हैव सम रियली नाइस लग्जूरियस सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड दे अफोर्डेबल मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी मनीष मल्होत्रा तो एकदम अल्ट्रा अल्ट्रा इन्होंने प्राइसिंग रखी हुई है लाइक इसका प्राइस है 995 विच इज़ ओके बिकॉज इतने प्राइस पर भी आपको एक नॉर्मल ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं प्लस अगेन एज ए सेड इन पर डिस्काउंट चलते रहते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा है सो 995 से तो आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगी माई ग्लैम पे सो ये है मनीष मल्होत्रा की लिक्विड मैट लिपस्टिक लेडीज नाइट इसका शेड है सो पैकेजिंग दिखती है कुछ इस तरह से रियली नाइस ब्लैक क्लासी पैकेजिंग और जो शेड है ना वो आपको यहाँ से दिख जाएगा सो आप जो भी शेड लोगे आपको यहाँ से हल्का सा विजिबल होगा विच इज़ गुड अगर आपके पास सेम के मल्टीपल शेड्स होते हैं तो ईजी रहता है सो लेट मी जस्ट स्वॉच फॉर यू गाइज पूरा हाथ भर गया है एक तो मेरा बट नेवर माइंड आई जस्ट स्वॉच लेडीज नाइट फॉर यू ऑल सो दिस इज हाउ लेडीज नाइट लुक्स लाइक कैन यू सी इसका थोड़ा सा वाइन मरून सॉर्ट ऑफ एक इफेक्ट आ रहा है विच इज़ लाइक रियली नाइस डार्क अगर आप नाइट टाइम के लिए कुछ देख रहे हो ना तो ये काफ़ी सेक्सी लगने वाला है बिकॉज इसका एकदम डार्क डार्क वो वाइन वाला अंडरटोन आ रहा है आई जस्ट स्वॉच अनदर साइड बिकॉज क्लियरली दिख रहा आई जस्ट स्वॉच हेयर या कैन यू सी बहुत अच्छा इसका एक वाइन सॉर्ट ऑफ कलर है जो रात के लिए काफ़ी प्रिटी लगता है काफ़ी सारे आउटफिट होते हैं जिसमें एकदम ऐसे डार्क लिपस्टिक लगा लो ना तो आउटफिट एकदम परफेक्ट हो जाता है सो उनके लिए परफेक्ट है एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल विच इज़ माई ग्लैम लिट नेल इनैमल मुझे लगा मैं सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर कर रही हूँ तो नेल पेंट को कैसे छोड़ दूँ सो मैंने नेल पेंट भी ऑर्डर कर दी सो ये माई ग्लैम की जो है ये मैट नेल पेंट है मतलब ये लगाते एकदम मैट हो जाती है सो अगर आपको मैट नेल पेंट्स का शौक है तो आप ले सकते हो बिकॉज ये भी अगेन ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है दिस इज़ फॉर 220 रुपीज़ अगेन इसके ऊपर जब डिस्काउंट लगेगा तो आपको बहुत अच्छे प्राइस पे पड़ जाएगी और अभी मैंने लगाई हुई है आई एम रियली सॉरी फॉर माई नेल्स जिम जाने के बाद ना मेरी नेल्स की आदत काफ़ी ख़राब हो चुकी है क्रैक पड़ जाते हैं टूट जाते हैं सो अभी मेरे नेल्स थोड़े से आपको अजीब लग रहे होंगे
बट दिस आर द शेड लुक्स लाइक आई रियली लाइक द शेड. इसका काफ़ी अच्छा मुझे शेड लगा. मैट भी है, पिंक भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है और इतना पिंक मैं झेल लेती हूँ. ओ माई गॉड लुक एट माई हैंड. बट इतना पिंक मुझे अच्छा लगता है. आई एम समवन हु इज मोर फ्रॉम न्यूड और न्यूड लाइट ऐसे पिंक फैमिली, सो मैं ज़्यादा झटाक शेड्स नहीं लगाती. बट आई लाइक इट. आई थिंक फॉर वेडिंग्स ये वाला शेड काफ़ी अच्छा लगने वाला है. दैट इज इट फॉर माई फाइनल माई ग्लैम हॉल प्लस रिव्यू. काफ़ी डिले हुआ इस वीडियो में बट आई थिंक इट इज वर्थ इट बिकॉज मैंने सारे मैक्सिमम कैटेगरी इनके प्रोडक्ट्स के एक्सप्लोर कर ही दिए हैं. सो दैट यू कैन ऑल्सो शॉप ईजिली. सो डिस्काउंट कोड है ग्लैम 40. आप जब भी अप्लाई करोगे ना आपको 40% ऑफ मिल जाएगा इनके सारे प्रोडक्ट्स पे. सो डेफिनेटली यू कैन शॉप वेरी इजिली. प्लस कोई शिपिंग नहीं है, जीरो शिपिंग आपको देनी है. सो आप इजिली शॉप कर सकते हो. इनकी वेबसाइट भी है, इनकी ऐप भी है और बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. जो भी प्रोडक्ट्स लिंक है, जो भी शेड नेम्स है, मैं सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो प्लीज चेक कर लेना एंड डू लेट मी नो व्हाट इज योर फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम द एंटायर हॉल. आई थिंक इफ आई हैव टू पिक टू आई वुड से थ्री. मैं बोलूंगी टू नहीं बोलूंगी. मुझे लिप लाइनर बहुत अच्छा लगा बिकॉज फाइनली मुझे मेरा परफेक्ट शेड मिल गया. मुझे लिप ग्लॉस बहुत अच्छा लगा बिकॉज इट्स नॉट दैट स्टिकी और हैवी. मुझे बहुत अच्छा कंफर्टेबल लगा. एंड ऑफ कोर्स द लिक्विड आई लाइनर, ये मुझे काफी अच्छा लगा बिकॉज कलरफुल भी है और काफी अच्छी इसकी पिगमेंटेशन लगी. सो ये तीन तो मेरे करंट फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं. अदरवाइज मुझे बाकी सारे भी अच्छे लगे. मैंने सबके आपको प्रोज कॉन्स जो भी थे क्लियरली बता दिए. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. अगर आप पहली बार आए हो प्लीज टेक अ मोमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल. यहाँ तक आ गए हो सब्सक्राइब नहीं किया काफी बुरी बात है. ऑल्सो जितने भी लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं, जो मेरी वीडियोज देखते आ रहे हैं, प्लीज बताओ कि आपको क्वालिटी में कुछ डिफरेंस पता चल रहा है नहीं पता चल रहा. मुझे ना अब इस कैमरा की सेटिंग्स नहीं आती तो मैं इसके कैमरा की जब सेटिंग प्रॉपर करूंगी तो और अच्छी क्वालिटी शायद निकल के आएगी. अभी तो मैं ऑटो मोड पर यूज़ कर रही हूँ बट लेट मी नो कि ऑडियो क्वालिटी में आपको फर्क पता चल रहा है फिर नहीं चल रहा. मुझे भी एडिटिंग के टाइम में पता चलेगा बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ. एंड या दैट इज इट टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.